दोस्तों यूं तो हिंदी सिनेमा में कई कलाकारों ने अपने अभिनय से लोगों को जमकर हंसाया है, लेकिन कुछ ही कलाकार ऐसे हैं जो अपनी कॉमेडी को लेकर काफी प्रख्यात हुए, जिनमें जॉनी लीवर, कमरजीत पटेल, रजाक खान, कपिल शर्मा, कृष्णा के साथ एक नाम राजू श्रीवास्तव का भी आता है। लोगों को हंसाने की कला जो राजू के अंदर थी वो बहुत ही कम कलाकारों में देखने को मिलती है। बता दें, एक्टिंग की दुनिया के मशहूर कॉमेडियन अभिनेता राजू श्रीवास्तव ने अपने करियर में कई फिल्मों धारावाहिकों में अपने अभिनय के जलवे बिखेरे हैं। उन्हें फिल्म मुंबई 2 गोवा आमदनी 98 खर्चा रुपया के साथ द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज राजू हाजिर हों जैसे हिट शोज के लिए जाना जाता है। इसके अलावा वह शक्तिमान, हप्पू की उल्टन पलटन जैसे धारावाहिकों को लेकर काफी प्रसिद्ध हुए। अपने संपूर्ण करियर में उन्होंने अपने अभिनय और कला शैली से पूरी दुनिया को हंसाया है। अपनी बेहतरीन हास्य कला और परफेक्ट टाइमिंग को लेकर प्रसिद्ध राजू सभी के दिलों में बसे हुए हैं। हाल ही में उनके निधन की खबर सुनकर सभी बेहद हताश हैं। उनका मुस्कुराता हुआ चेहरा तो सभी ने देखा है, लेकिन उन्होंने अपनी जिंदगी में किन किन मुश्किलों का सामना किया ये बहुत ही कम लोग जानते हैं। तो दोस्तों, आज की हमारी इस वीडियो में आपको राजू के संघर्ष की कहानी और उनके करियर से लेकर उनके निजी जीवन से जुड़ी प्रत्येक जानकारी से आपको रूबरू कराएंगे। जानने के लिए कानपुर के राजू की कहानी हमारे वीडियो के अंत तक बने रहें। बात करें इनके प्रारंभिक जीवन की तो उनका जन्म 25 दिसंबर 1963 को उत्तर प्रदेश के कानपुर में एक मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ था। उनका असली नाम सत्यप्रकाश श्रीवास्तव है। उन्हें पेशेवर रूप से राजू श्रीवास्तव के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा कुछ लोग राजू को अक्सर गजोदर कहकर भी बुलाते हैं। कहा जाता है कि इनके पिता कविताएं लिखते थे और उन्हीं का असर राजू पर भी आया, लेकिन उनकी मां नहीं चाहती थी कि वो इस दिशा में आगे बढ़ें। वह बहुत कठोर थीं और उनको फिल्में भी नहीं देखने देती थीं। उनका मानना था कि फिल्म देखने से बच्चे बिगड़ते हैं। इनके परिवार में सरकारी नौकरी को ही सर्वोपरि माना जाता था, लेकिन राजू बचपन से ही बेखौफ बोलते थे। उन्हें बातें बनाना बहुत अच्छी तरह से आता था। राजू को लोगों की नकल करना भी बेहद पसंद था। वह अक्सर अपने आस पास के लोगों की नकल किया करते थे। वह तरह तरह की आवाजें भी निकाल लिया करते थे और घर में फंक्शन के दौरान सबका मनोरंजन किया करते थे। स्कूल में टीचर्स की नकल हो या क्रिकेट की कमेंट्री करना हो, सब लोग उनको ही आगे किया करते थे। एक दिन अपने स्कूली दिनों में अपने दोस्तों के कहने पर घर से छुपकर राजू थिएटर में एक फिल्म देखने गए। फिल्म का नाम था शोले, जो आज की सदाबहार फिल्मों में से एक है। शोले का जादू राजू पर ऐसा चढ़ा कि फिर कभी नहीं उतरा। फिल्म देखने के बाद राजू अमिताभ बच्चन जी के इतने बड़े फैन हो गए कि वह उनकी हर फिल्म देखने जाते थे और उन्होंने अमिताभ बच्चन की मिमिक्री करना, उन्हीं की तरह चलना, उठना बैठना शुरू कर दिया और फैसला किया कि वह भी एक अभिनेता बनेंगे और फिल्मों में काम करेंगे। जिसके चलते सन 1982 में वो मुंबई आ गए। मुंबई आकर जब उनको कोई काम नहीं मिला तब उन्होंने ऑटो रिक्शा चलाकर पैसे कमाए और अपना गुजारा किया। साथ ही वह काम के लिए यहां वहां भटकते रहते थे। एक बार ऑटो चलाते चलाते उन्हें टी टाइम मनोरंजन शो का पोस्टर मिला। राजू ने वहां ऑडिशन दिया और वो सेलेक्ट भी हो गए, जिसके बाद उन्होंने हंसना मना है नाम की एक कैसेट में अपनी आवाज दी। बात करें उनकी फिल्मों की तो उन्होंने 1988 की फिल्म तेजाब से अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की। फिल्म में माधुरी दीक्षित, अनिल कपूर जैसे दिग्गज कलाकार मौजूद थे। अपने शुरुआती दिनों में उन्होंने फिल्म में बहुत छोटे छोटे किरदार निभाए। धीरे धीरे लोग उन्हें पहचानने लगे। उन्होंने राजश्री प्रोडक्शन की फिल्म मैंने प्यार किया, बाजीगर और बॉम्बे टू गोवा जैसी विभिन्न फिल्मों में अन्य छोटी भूमिकाएं निभाई। उन्होंने बॉलीवुड फिल्म आमदनी 98 खर्चा रुपया में एक अभिनेता और हास्य अभिनेता के रूप में काम किया, जिसमें सभी ने उनके काम को काफी पसंद किया। इसके अलावा भी उन्होंने कई फिल्मों में काम किया, जिनमें मैं प्रेम की दीवानी हूँ, विद्यार्थी, द पावर ऑफ स्टूडेंट्स, बिग ब्रदर, बॉम्बे टू गोवा, टॉयलेट एक प्रेम कथा और फिरंगी जैसी फिल्में शामिल है। फिल्मों में उनको काम तो मिल ही रहा था, लेकिन वह पहचान हासिल नहीं हुई जो वह करना चाहते थे। उनको असली पहचान टेलीविजन से मिली। उन्होंने टैलेंट शो द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज के साथ स्टैंड अप कॉमेडी में कदम रखा और दूसरे रनर अप के रूप में इसे समाप्त किया। बाद में स्पिन ऑफ द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज चैंपियंस में भाग लिया, जिसमें उन्होंने द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज का खिताब जीता। इस शो में राजू को दर्शकों द्वारा बेहद पसंद किया गया। उन्हें सबका खूब प्यार मिला और इस शो की वजह से दुनिया भर में लोग राजू को पहचानने लगे। इन्होंने बिग बॉस हिंदी सीजन 3 में भाग लिया। 2 महीने से अधिक समय तक सदन में रहने के बाद 4 दिसंबर 2009 को उन्हें वोट से बाहर कर दिया गया। बाद में उन्होंने कॉमेडी शो कॉमेडी का महामुकाबला में भाग लिया और वहां भी अपनी कला का बेहतरीन तरीके से प्रदर्शन किया। सन 2013 में राजू ने अपनी पत्नी के साथ नच बलिए सीजन 6 में भाग लिया, जो स्टार प्लस पर एक युगल नृत्य शो है। वह कॉमेडी नाइट्स विद कपिल में भी दिखाई दिए। वह मजाक मजाक में उर्फ द इंडियन मजाक लीग नाम के शो में भी दिखाई दिए।
या एक स्टैंड अप कॉमेडियन शो था जो लाइव ओके पर प्रसारित होता था। इस शो में लोकप्रिय क्रिकेटर हरभजन सिंह और शोएब अख्तर जज के तौर पर नजर आए थे। कॉमेडी के अलावा राजू ने राजनीति में भी दिलचस्पी दिखाई। समाजवादी पार्टी ने 2014 के लोकसभा चुनाव के लिए राजू श्रीवास्तव को कानपुर से मैदान में उतारा, लेकिन 11 मार्च 2014 को राजू श्रीवास्तव ने यह कहते हुए टिकट वापस कर दिया कि उन्हें पार्टी की स्थानीय इकाइयों से पर्याप्त समर्थन नहीं मिल रहा है। उसके बाद वह 19 मार्च 2014 को भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें स्वच्छ भारत अभियान का हिस्सा बनने के लिए नामित किया। तब से वह अलग अलग शहरों में अपने कार्यक्रमों के जरिए स्वच्छता को बढ़ावा दे रहे थे। उन्होंने स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न संगीत वीडियो बनाए थे। उन्होंने स्वच्छता अभियान के लिए विभिन्न टीवी विज्ञापनों और समाज सेवा संदेशों वाले वीडियो भी शूट किए थे, जो कि काफी प्रख्यात हुए। कहा जाता है कि सन 2010 में उनको पाकिस्तान से धमकी भरे फोन आए और चेतावनी दी गई कि वह अपने शो के अंदर अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम और पाकिस्तान पर मजाक ना करें। बात करें उनके पारिवारिक जीवन की तो उनके पिता का नाम रमेश चंद्र श्रीवास्तव था, जो कि कोर्ट में काम करने के साथ साथ कविता लिखने और बोलने के शौकीन थे। इसके विपरीत उनकी माँ का नाम सरस्वती श्रीवास्तव था, जो कि एक कुशल गृहिणी थी। राजू के भाई दीपू श्रीवास्तव जी एक कॉमेडियन हैं, जो मेरी पसंद और हेलो डार्लिंग नामक फिल्मों के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने संगीता श्रीवास्तव से शादी की है, जिनसे उनके एक बेटे हैं जिनका नाम समर्थ श्रीवास्तव है। इनके अलावा राजू की एक बहन भी है जिनका नाम सुधा श्रीवास्तव है। चलते हैं उनकी निजी जिंदगी की ओर। तो राजू ने 1 जुलाई 1993 को लखनऊ की शिखा श्रीवास्तव से शादी की। शिखा और राजू श्रीवास्तव की प्रेम कहानी किसी फिल्म के कहानी से कम नहीं है। कहा जाता है कि शिखा और राजू की मुलाकात राजू की भाई की शादी में हुई थी। तब राजू पहली नजर में शिखा को अपना दिल दे बैठे थे। कुछ दिनों बाद उन्होंने शिखा के बारे में पता लगाया, तब उन्हें मालूम हुआ कि वह उनकी भाभी की चाची की लड़की है। जिसके बाद राजू ने शिखा को लेटर लिखने शुरू किए और कुछ ही समय बाद उन्होंने अपने भाई को यह बात बताई। राजू के भाई ने उन्हें पहले अपनी लाइफ में सेटल हो जाने की सलाह दी, जिसके बाद राजू ने कड़ी मेहनत की और यह नाम कमाया। सालों बाद राजू के भाई राजू का रिश्ता लेकर शिखा के घर गए, तब जाकर रिश्ता पक्का हुआ और राजू और शिखा की शादी हो गई। आज राजू के दो बच्चे हैं, जिनके नाम बेटी अंतरा और बेटा आयुष्मान श्रीवास्तव है। राजू अपने परिवार के साथ बेहद खुश थे और एक अच्छी जिंदगी व्यतीत कर रहे थे कि तभी उन्हें 10 अगस्त 2022 को दिल का दौरा पड़ा, जब वे जिम में कसरत कर रहे थे, जिसके बाद उन्हें तुरंत हॉस्पिटल ले जाया गया। उनकी एंजियोप्लास्टी हुई और उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया। कहा जाता है कि उनके उपचारों के दौरान उनके मस्तिष्क में सूजन देखी गई थी और उनका इलाज भी न्यूरोलॉजिस्ट द्वारा किया गया था। जब से उन्हें दिल का दौरा पड़ा था, तब से उनकी हालत बहुत गंभीर होती गई और 21 सितंबर 2022 को दिल्ली एम्स में इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। इस दुखद समाचार से कई हृदय को बहुत बड़ा धक्का लगा। दोस्तों, राजू श्रीवास्तव का हिंदी सिनेमा में बहुत बड़ा योगदान रहा है। उन्होंने अपने अभिनय से पूरी दुनिया को हंसाया। उनका नाम पूरी दुनिया हमेशा याद रखेगी। तो दोस्तों, यदि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, और अपने पसंदीदा एक्ट्रेस और एक्टर के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।